दीपावली के पर्व पर होने वाले पक्षियों और वन्य जीवों के शिकार को रोकने के लिए वन विभाग हुआ सतर्क, चलाया तलाशी अभियान। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपावली पर पक्षियों और वन्य जीवों से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के चलते उनके अवैध शिकार को रोकने के लिए वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। मुख्य वन संरक्षक रुहेलखंड जोन बरेली ललित कुमार वर्मा के निर्देशों पर उत्तराखंड के कालागढ़ से लेकर बिजनौर स्थित अमानगढ़ टाइगर रिजर्व सहित वन क्षेत्र के आसपास के इलाकों में गश्त और तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान वन कर्मियों के द्वारा वन गुजरों के डेरों की तलाशी ली गई और निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक की सहायता भी ली गई। इस क्रम में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के वन विभाग के द्वारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया, तो वहीं निगरानी के लिए हरेवली बैराज, नगीना, बड़ापुर आदि संवेदनशील स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। वन विभाग की ओर से शिकारियों पर नज़र रखने के लिए DFO अनिल पटेल और SDO ज्ञान सिंह के नेतृत्व में रेंज अधिकारियों के सुपरविजन में 6 टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार शिकारियों पर नज़र रख रही हैं। देखिए जनसंवाद की यह विशेष रिपोर्ट। Don't forget to like, comment.